हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टून क्लैश हिंदी। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, शायद 2 हफ्ते या फिर उससे भी ज़्यादा। बट यार वीडियो ना अपलोड करने का एक कारण भी था कि मैं बीच में बीमार हो गया था, तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट आज मैं यूट्यूब पर वापस आ चुका हूँ और आज आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लाया हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन के बारे में, क्योंकि हमने कई सारे फायर टाइप पोकेमॉन को देखा है और फायर टाइप पोकेमॉन बहुत से लोगों को पसंद भी होते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन को इंक्लूड नहीं किया है, ये लिस्ट सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन के बेसिस पे है। तो अगर हम पोकेमॉन एनीमे में देखें तो जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कि एश, अलान, रेड, फ्लिंट, गोल्ड, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, इन सभी के पास एक फायर टाइप पोकेमॉन जरूर होता है। यहाँ पर मैंने पोकेमॉन को रैंक किया उनकी पावर्स, एबिलिटीज, मूव्स और एनीमे पावर के बेसिस पे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की कार्टून और एनीमे से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। But before starting the list, I want to tell you that it's not an official list, it's just my opinion. So there can be some sort of possibilities that will not like this list. So if any one of your favorite fire type Pokemon does not come in this list, you can tell me in the comment section. So, let's start. Number 5. Typhlosion. Typhlosion एक pure fire type Pokemon है और ये एक evolved form है Koilava का और ये Cyndaquil का final evolution है। Typhlosion Johto region का fire starter है जिसे introduce किया गया था generation 2 में और ये एक fully evolved Pokemon है। टाइफ्लोजन को एनिमे में हमने उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है, लेकिन जब हमने इसे पोकेमॉन मांगा में देखा था गोल्ड के पास, तब इसकी पावर्स की बात ही कुछ अलग थी। इसने रायकू जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी टक्कर दी है और इसने हिटमॉनली को सिर्फ एक ही अटैक में हराया है और इसने एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी स्कार्मोरी और स्टिलिक्स का अकेले सामना किया है, जो इस बात को दर्शाती है कि इस पोकेमॉन की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चाहे तो अपने ट्रेनर के लिए जान भी दे सकता है। टाइफ्लोजन के पास कुछ बहुत पावरफुल अटैक्स है जैसे कि ओवर हीट, इन्फर्नो, ब्लास्ट बर्न और इरप्शन। नंबर 4, मैगमोटोर। मैगमोटोर एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है और ये एक इवॉल्व फॉर्म है मैगमार का और ये मैगबी का फाइनल एवोल्यूशन है। मैगमोटोर को जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैगमोटोर के हाथ कैनन्स की तरह हैं जिसकी मदद से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लेम्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैगमोटोर की फ्लेम बॉडी एबिलिटी के कारण कोई भी इसे फिजिकली अगर टच करता है तो उस पर बर्न लग सकता है। मैगमोटोर के पास कन्फ्यूज रे जैसे भी अटैक्स है जिससे ये अपने अपोनेंट पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है और इसके पास कुछ डिस्ट्रक्टिव अटैक्स भी हैं जैसे कि फ्लेयर ब्लेड्स, ओवरहीट, फायर ब्लास्ट, ऐसे अटैक्स। नंबर 3, ब्लेजिकन। ब्लेजिकन एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और ये एक इवॉल्व फॉर्म है कंबस्कन का और ये टॉर्ची का फाइनल एवोल्यूशन है। वैसे तो ब्लेजिकन जनरेशन 3 का पोकेमॉन है पर इसे जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ब्लेजिकन एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है। ब्लेजिकन की पावर एनिमे में टाइम टू टाइम इंक्रीज होती गई है और ब्लेजिकन ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है, जिनमें शामिल है एक जंगली स्नीजल, एश की बेलीफ, यहाँ तक कि एश के चारिज़ार्ड को भी। ब्लेजिकन के बेस स्टैट्स 530 हैं और इसकी बेस स्टैट में इसकी फिजिकल अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो इस बात को दर्शाती है कि ब्लेजिकन फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्लेजिकन के पास कई सारे पावरफुल अटैक्स जैसे कि ब्लेज किक, ओवरहीट, ब्लास्ट बर्न, ऐसे ऐसे अटैक्स। नंबर 2, इन्फर्निप। इन्फर्निप एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और ये एक इवॉल्व फॉर्म है मॉनफर्नो का और ये चिमचार का फाइनल एवोल्यूशन है। इन्फर्निप सिनो रीजन का फायर स्टार्टर है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 4 में और ये एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है। इन्फर्निप की पावर हमें एनिमे में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अगर हम फ्लिंट के इन्फर्निप की बात करें तो उसने एश के इन्फर्निप को काफ़ी ईजिली हरा दिया था और अगर हम एश के इन्फर्निप की बात करें तो उसने लक्सरे और जोल्टियन जैसे पोकेमॉन को एक ही मैच में लगातार नॉकआउट कर दिया था और उसने पॉल की आधी टीम को हरा दिया था, जिसमें पॉल का सबसे ताकतवर पोकेमॉन इलेक्टिवायर भी शामिल था। और अगर हम एश वर्सेस पॉल की बैटल को देखें तो इन्फर्निप ने उस बैटल में कई सारे स्ट्रॉन्ग मूव को सहा था, इंक्लूडिंग इलेक्टिवायर का सबसे पावरफुल थंडर अटैक, वो भी पॉइजन्ड होने के बावजूद। और इन सब रीजंस की वजह से मैंने इन्फर्निप को नंबर 2 पर रखा है। और नंबर 1, चारिज़ार्ड। फैन फेवरेट चारिज़ार्ड नंबर 1 पर कैसे नहीं आएगा। चारिज़ार्ड एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और ये एक इवॉल्व फॉर्म है चारमिलियन का और ये चारमैंडर का फाइनल एवोल्यूशन है। चारिज़ार्ड कैंटो रीजन का फायर स्टार्टर है जिसे इंट्रोड्यूस किया था जनरेशन 1 में और ये एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है। चारिज़ार्ड के बेस स्टैट्स 534 है और इसके बेस स्टैट में इसकी स्पेशल अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। चारिज़ार्ड ने एनिमे में कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है। अगर हम एश के चारिज़ार्ड की बात करें तो उसने गैरी की आधी टीम को हरा दिया था, जिनमें शामिल थे सिज़ोर, गोलम और चारिज़ार्ड का बेस्ट ट्राइवल ब्लास्टोइस। और एश के चारिज़ार्ड ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकूनो को भी हराया है
और अलान के चार्जर्ड ने ग्रीनिंजा तक को हरा दिया था और रेड के चार्जर्ड ने तो हद ही पार कर दी। इसने तो तहलका मचा कर रख दिया था जहां इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूटू को भी हरा दिया था। और चार्जर्ड ने एनिमे में ये बात साबित कर दी है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के कार्टून और एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।